गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू। कटारी इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, पिछला लेक्चर हमने देखा था पेपर फोर एथिक्स के लिए। इसमें एटीट्यूड को लेकर के बात की गई थी कि एटीट्यूड क्या होता है, मनोवृत्ति किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण दिए गए थे, उनसे इसको समझाया गया था। उसी को आज आगे बढ़ाएंगे, साथ ही साथ एटीट्यूड के साथ साथ कि लोक सेवक के जो बुनियादी मूल्य होते हैं, जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं, वो क्या होते हैं। एक बार रिकॉल करा देता हूँ एटीट्यूड, देन इसका जो अगला सेशन रहेगा जिसमें एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड में चेंज लाना, एटीट्यूड से जुड़ा हुआ जो हम जिसे पूर्वाग्रह प्रिजुडाइज कहते हैं या स्टीरियोटाइप रूढ़िवादिता, उसको देखेंगे। तो हमने यह देखा था कि एटीट्यूड का मतलब होता है कि ये एक विशेष स्थिति में एक स्टेट ऑफ माइंड, मानसिक दशा होती है जो कि स्थिति के अनुसार बदलती रहती है, ठीक है। और किसके प्रति मानसिक दशाएं रहती है, ये हमें बताती है कि व्हाट वी लाइक और डिसलाइक। यानी आप किसी को लाइक करते हैं, किसी को डिसलाइक करते हैं। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, किसी कोई विचार हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कोई राजनीतिक पार्टी आप लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, कोई खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं, तो उसको हम एटीट्यूड के नाम से जानते हैं। और ये जो एटीट्यूड है, इस ये हमने पॉजिटिव और नेगेटिव रूप में समझा था कि दो प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सकारात्मक अभिव्यक्ति होती है तो दूसरी नकारात्मक होती है। साथ ही साथ इसमें ये भी था कि न्यूट्रल भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है किसी का एटीट्यूड। ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो एटीट्यूड उसका सकारात्मक है या नकारात्मक ही हो। अब जिस वस्तु के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो उसके बारे में जो एटीट्यूड है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, राइट। जैसे यहाँ पर बात करें, एटीट्यूड ये कोई प्रदत्त गुण है या अर्जित गुण है, यानी ये हम लेकर पैदा हुए थे या हमने यहाँ पर सीखा। तो एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति ये एक अर्जित गुण होता है, यानी व्यक्ति इन्हें सीखता है। कैसे सीखता है, तो उसका सोशलाइजेशन, सामाजिकरण होता है, तब ये एक चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। जैसे दुर्योधन का पांडवों के प्रति जो एटीट्यूड है, या हम लोगों का राजनेताओं के प्रति जो एटीट्यूड है, क्या हम ऐसा नज़रिया लेकर के पैदा हुए थे। दुर्योधन पांडवों के प्रति उसका एटीट्यूड जो था नकारात्मक बना, क्यों बना, उसकी कंडीशन कि पिता कैसे थे, पिता के आंखें नहीं थी, माँ ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी, राज सिंहासन का उत्तराधिकारी उन्हें बनाए ना बनाए, इस बात को लेकर दोषी किसे माना गया कि ये पांडवों की वजह से हुआ है। तो उन्होंने ये एटीट्यूड अर्जित किया। आम जनता राजनेताओं के प्रति नकारात्मक, नेगेटिव एटीट्यूड रखती है, कारण इनके कार्यों की वजह से, ठीक है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है, ये एटीट्यूड हम अर्जित करते हैं, यहाँ से सीखते हैं, सामाजिकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है, सोशल इंटरेक्शन करते हैं, देन ये आता है। तो एटीट्यूड की कुछ विशेषताएं, इसमें कैब मॉडल जो था कल आपको पढ़ने को मिला था ना, जिसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियर करके ये तीन चीज़ें बताई थी। तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक, इस ढंग से हम इसको कैब मॉडल को समझा पाए थे। यानी कि जैसे मैंने आपको बोला था कि सांप जो है, तो सांप कैसा होता है, सांप जहरीला होता है, ये कॉग्निटिव है, यानी उसके बारे में आपकी नॉलेज क्या है, आप क्या कहते हो, ठीक। तो उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव, यानी कि सांप जहरीला होता है, फिर से समझ लो। संज्ञानात्मक मॉडल जिसे कहते हैं, जिसे सी फैक्टर के नाम से जानते हैं, स्नेक जो है पॉइजनस, जहरीला है, राइट। अब इससे आपके इमोशंस क्या, किस प्रकार के इमोशंस आपके मन में आते हैं, यानी ए फैक्टर जो अफेक्टिव है उसको हम बोलते हैं कि फीलिंग्स, आप कैसा फील करते हो, मुझे डर लगता है, आई फियर। फिर आपका आता है व्यवहार, तो व्यवहार कैसा होता है कि जब भी सांप दिखाई देता है मैं भाग जाता हूँ या उसको मारने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो इसे हम कैब मॉडल के नाम से जान पाए थे। अब इस कैब मॉडल के आधार पर किसी के एटीट्यूड को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाया जा सकता है,
सकारात्मक या नकारात्मक के रूप में हम इसको जज कर सकते हैं। इसी उदाहरण में हम यदि सांप के प्रति अपने एटीट्यूड को बात करें, आपका बिलीफ, आपका ज्ञान क्या कहता है कि ये पॉइजनस है, तब आपका जो पॉजिटिव या नेगेटिव, ये नेगेटिव बनेगा, राइट। आप अफेक्टिव क्या होते थे कि आपको उससे डर लगता है, डर लगना मतलब ये भी नेगेटिव होता है। बिहेवियर क्या है, बिहेवियर है कि आप दूर चले जाते हैं, ये भी इसका नेगेटिव हो जाता है। ओवरऑल आपका एटीट्यूड कैसा हो गया कि योर एटीट्यूड नेगेटिव टुवार्ड्स स्नेक, सांप के प्रति आपका रवैया जो है, वो आपका जो मनोवृत्ति है वो नेगेटिव हो गई। तो मैंने कल बोला था कि इसमें हम प्लस या माइनस दो ढंग से इसको दिखा सकते हैं, जिसे यूनिडायरेक्शनल मॉडल के नाम से जानते हैं। बट यूनिडायरेक्शनल के साथ साथ एक और नया मॉडल जिसमें लॉन्च किया गया, जिसे बाईडायरेक्शनल कहते हैं। दो विमाएं जिसमें रहती हैं, ये एक्स अक्ष बना लिया, ये वाई अक्ष बना लिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि किसी का एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी का एटीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है, और किसी का एटीट्यूड उदासीन भी हो सकता है, जीरो जीरो न्यूट्रल भी हो सकता है, राइट। जैसे मान के चलो आपने सांप के बारे में तो एटीट्यूड बना दिया, अब आप चॉकलेट की बात करें कि जो ये चॉकलेट्स होती हैं इनमें हाई कैलोरी होती है, बहुत ज़्यादा कैलोरी की मात्रा पाई जाती है, तो ये भी क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाएंगी? ये चॉकलेट्स ये भी हमारे दांतों के लिए ख़राब होती है, दांतों में कैविटी हो जाती है ना। तो जब हमें ये जानकारी है कि यानी हमारा जो सी फैक्टर है यानी कॉग्निटिव फैक्टर क्या कहता है कि ये जहरीली होती है, राइट। आपको पता है कि चॉकलेट हमारे दांतों के लिए ये अच्छी नहीं है, ठीक है, बट उसके बाद भी आपको चॉकलेट पसंद है, आई लव चॉकलेट, तो इसके बारे में आपका जो एटीट्यूड आएगा वो कैसा आएगा अगर इसको हम जज करना चाहें कि हाँ इसकी कॉग्निटिव है कि ये दांतों के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर हम इसको नंबरिंग दें कि मान के चलो पॉजिटिव पॉइंट का एक नंबर देते हैं, नेगेटिव पॉइंट का माइनस वन नंबर दे देते हैं, तो पॉजिटिव बात इसमें, नेगेटिव बात ये थी कि इसमें हाई कैलोरी होती है, दांतों के लिए ख़राब होती है, बैड फॉर टीथ, बट आपको ये पसंद है, तो ओवरऑल क्या निकला इसमें, जीरो। तो इसे हम एम्बीवेलेंट भी कह सकते हैं, राइट। तो ये स्थिति ये बन जाती है कि ऐसी सिचुएशन बनती है। अब एम्बीवेलेंट यानी एम्बीवेलेंट मतलब दो प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें कुछ समझ नहीं आया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी लाइफ में चॉकलेट नहीं देखी, तो उसके लिए एटीट्यूड क्या होगा, चॉकलेट न्यूट्रल, ना तो उसको पॉजिटिव पता है ना नेगेटिव पता है, तो इसलिए ये बाई डायरेक्शनल मॉडल इन्होंने लॉन्च किया था। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो मनोवृत्ति व्यक्ति और वस्तु से संबंधित होती है, बिना वस्तु के मनोवृत्ति का कोई विकास नहीं होता, मनोवृत्ति मूल प्रेरणा से अलग होती है, यानी ये अर्जित गुण है, ये हमें मिला नहीं था, ये हमें सीखा था हमने सोसाइटी में, वहाँ से जाकर के ये बने थे। क्लियर है। कल कुछ चीज़ें बताई थी जो अधूरी थी, आज उनको पूरा करते हैं, फिर उसके आगे चलेंगे जो लोक सेवक के वैल्यूज रहते हैं। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे आपको रेगुलरली से ये क्लासेस मिल पाए। पहला आता है बिलीफ, आम बोलचाल में हम इसे विश्वास कहते हैं। ये क्या होता है, इसका मतलब है कि व्हाट वी थिंक अबाउट थिंग्स, किसी भी वस्तु के बारे में हम क्या सोचते हैं, जैसे एक्टर, फिल्म कलाकार, इनके बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग सोचना है। जैसे मैं ये सोचता हूँ कि ये लोग क्या होते हैं, ये पैसे के लिए किसी भी घटिया से घटिया चीज़ का प्रचार कर सकते हैं,
इनके बारे में, ये लालची होते हैं, दीज ऑल आर ग्रीडी। ये मेरा मानना है, मैं ये नहीं कहता कि आपका ऐसा मानना हो, आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए तो आदर्श भी होते होंगे, चूंकि माना कि ऐसा विश्वास है, ठीक है ना। या राजनेता, राजनेता के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं कि ये राजनेता ईमानदार होते हैं, आप सोचते हैं कि राजनेता बेईमान होते हैं, आप सोचते हैं कि राजनेता स्वार्थी होते हैं। तो सिंपल सी बात है, बिलीव का मतलब है कि व्हाट वी थिंक अबाउट थिंग्स, हम चीज़ों के बारे में, वस्तुओं के बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, हमारा विश्वास क्या है, राइट। वैल्यू क्या होता है, मूल्य किसे कहते हैं, जिनसे हमारा एटीट्यूड फॉर्म होगा, तो मूल्य पर भी चर्चा कर लें। मूल्य का मतलब क्या होता है, मूल्य का मतलब है कि व्हाट वी थिंक शुड हैपन, यानी कि मूल्य ये बताता है कि आखिर सही क्या है और खराब क्या है, मतलब ये गुड, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, अच्छे और बुरे में अंतर बताता है मूल्य। और हमें क्या बोलता है, अच्छे और बुरे में अंतर बताता है, या ऐसा समझ लो उचित क्या है अनुचित क्या है, उचित और अनुचित क्या है, सही क्या है गलत क्या है, इन दोनों में अंतर बताता है। और इधर इस वाली चीज़ों को मानने के लिए अभिप्रेरित करता है, मोटिवेटेड करता है। यानी मूल्य जो हैं ये हमारे व्यवहार को, ये हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं, गाइड करते हैं, निर्देशित करते हैं। क्यों? समाज अच्छे को समर्थन करता है, उचित को समर्थन करता है, सही को मान्यता देता है, जो बुरा है जैसे बेईमानी, ये कैसा मूल्य हो जाएगा, बेईमानी मतलब ये तो सोसाइटी में एक्सेप्टेड ही नहीं है ना, तो ये खराब है, इट्स बैड, ठीक। मिलावटखोरी, जमाखोरी, ये क्या है, ये खराब है ना। तो वैल्यू यानी मूल्य का मतलब होता है कि जहाँ पर समाज जिनका समर्थन करता है, जिनका हम प्रैक्टिस करते हैं अपने जीवन में और उन्हें अपनाते जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के मूल्य हो जाते हैं, सामाजिक मूल्य हो गए, मानवीय मूल्य हो गए, प्रशासनिक मूल्य हो गए, राजनीतिक मूल्य हो गए, धार्मिक मूल्य हो गए। अब जब हमें बिलीफ पता चल गया, वैल्यू पता चल गए, तो इससे हम एटीट्यूड को समझ सकते हैं क्या, मनोवृत्ति को क्या हम इससे डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? कि दोनों को अगर आप मिला दें, यानी बिलीफ प्लस वैल्यू बराबर एटीट्यूड, ये मनोवृत्ति हो जाते हैं। तो एटीट्यूड स्टार्टिंग में ही समझा था कि क्या आपको पसंद है, व्हाट इज जो है मतलब, और क्या आपको पसंद नहीं है, डिसलाइक। एटीट्यूड इज आवर लाइक डिसलाइक और एन ऑब्जेक्ट इवेंट ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन, ठीक। जैसे मैंने बोला कि एक्टर जो हैं, अब एक्टर के प्रति एटीट्यूड क्यों बना, क्योंकि वहाँ पर बिलीव किया था कि ये पैसे के लिए किसी भी घटिया चीज़ का प्रचार कर देते हैं। तब अब क्या होगा, क्या ऐसा व्यक्ति किसी एक्टर की मूवी देखने के लिए पैसे खर्च करेगा, क्योंकि वो एक्टर के बारे में मानता है ये तो घटिया चीज़ों का प्रचार कर देते हैं, पैसे के लिए किसी का भी प्रचार कर देते हैं, वो नहीं जाएगा, राइट। राजनेता के बारे में अगर आपका बिलीफ है कि राजनेता करप्ट होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, तो फिर आप राजनीतिक पार्टी में, रैली में, इनमें पार्टिसिपेट करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से उसमें करना पसंद नहीं करोगे, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, जिन्हें हम एटीट्यूड के नाम से जानते हैं। अब एटीट्यूड को चेंज किया जाता है, तो चेंज वाला टॉपिक तो मैं अगले लेक्चर में बताऊँगा। आज दूसरी चीज़ें, बुनियादी मूल्य लोक सेवा के, लोक सेवक के, उसको समझते हैं, फंडामेंटल वैल्यूज, आधारभूत मूल्य कैसे भी पूछा जा सकता है। मूल्य से सामान्य आशय होता है कि समाज में वो नियम प्रचलित, यानी कि जिनका प्रचलन है, जिन्हें अनुभव के आधार पर समाज के हित में, यानी सोसाइटी के वेलफेयर में माना गया, सार्वजनिक रूप से इन्हें स्वीकार किया गया, और इनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, कुछ धार्मिक मूल्य होते हैं, कुछ नैतिक होते हैं, कुछ सत्य मूल्य होते हैं, या सामाजिक
तो इनको हम अलग अलग ढंग से क्लासिफाइड कर सकते हैं। फिर समझो मूल्य, पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मूल्य का मतलब है अच्छे और बुरे की पहचान करना, वो मूल्य जो लोगों के हित में है, जो समाज के हित में है, जिसमें सभी जगह स्वीकृति मिलती है, जैसे ईमानदारी को स्वीकृति मिलती है, करुणा को स्वीकृति मिलती है, लोगों का आप सहयोग करें इसको स्वीकृति मिलती है ना, तो इस इनको हम मूल्य कहते हैं। अब समाज के लिए मिल बीच में समाज के लिए तो सरकार आती है ना, तो जो सरकार है उसने क्या, सरकार कैसी बनी हुई है, पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याणकारी, और लोक कल्याणकारी का ये इनका ऑब्जेक्टिव हो गया कि हम लोगों के कल्याण के लिए शासन करेंगे, किसके द्वारा, लोक सेवकों के द्वारा। तो ये जो मूल्य हैं लोक सेवकों पर भी तो लागू हो जाते हैं, लोक सेवक यहीं से तो आता है समाज से, किसी अलग स्थान से तो नहीं आता ना। तो लोक सेवा में कुछ ऐसे मूल्य विशेष हैं जो होना मस्ट है, राइट। तो इसको ऐसे समझो कि लोक प्रशासन जनता का, जनता के लिए जनहित में किया गया शासन होता है। यहाँ लोक सेवकों से यह एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है कि उनमें जन कल्याणकारी नीतियों को क्रियान्वित करने की कला होगी, राइट। आपने देखा होगा कि लोक सेवकों का चयन एक जैसी प्रणाली, प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा, ट्रेनिंग भी एक जैसी होती है, बट कुछ लोक सेवक जो कि उनका नाम बड़े आसानी से लोग पहचान लेते हैं क्योंकि उनके कार्य ऐसे होते हैं कि जो लोक हित में आ जाते हैं, और कुछ लोक सेवक ऐसे होते हैं जो उनका हमेशा शिकायतें रहती हैं, वो काम ही ठीक से नहीं कर पाते हैं, राइट। तो लोक कल्याणकारी नीतियों को क्रियान्वित करना यानी कि प्रशासन, ये एक आर्ट है। तो ये आर्ट कैसे आता है, यानी लोक सेवा में, यानी जो व्यक्ति है उसमें कुछ वैल्यूज होंगी ना, कुछ स्पेसिफिक, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है। तो वो जो मूल्य हैं जिनसे प्रशासनिक एफिशिएंसी बढ़ती है, उन्हीं से हम अपने समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो सिविल सेवा में वो मूल्य आवश्यक है। अब वो मूल्य, मूल्य कौन से मूल्य आवश्यक हैं, तो वो ये लिस्ट है पूरी की पूरी, ये मूल्य होना कंपलसरी है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सदाचार, निष्पक्षता, मितव्ययता, दक्षता, यानी इसमें इंटीग्रिटी है ना, मितव्ययता को इकोनॉमी बोलते हैं, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता, समर्पण, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, अनामिता, कानून में आस्था, जवाबदारी, संवेदनशीलता, शालीनता, समानुभूति, 17 मूल्य मैंने आपको यहाँ पर लिख के दे दिए। आप 5-7 ही लिख दोगे तो भी बहुत बड़ा आपका इसमें कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। 2019 में थोड़ा सा स्कोप ज़्यादा रहेगा लिखने के लिए, 2019 की मुख्य परीक्षा में। 2020 में चूंकि शब्द सीमा कम कर दी गई है तो उतना स्कोप तो नहीं रहता है, बट फिर भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन टॉपिक तो यही चलेगा, शब्दों का खेल है, शब्द सीमा को कम करके आपको लिख देना, राइट, है ना। तो ये जो मूल्य हैं लोक सेवा के, उनकी बात करते हैं। ब्रिटेन में एक कमेटी बनी थी, यूके में, लोक सेवा सिर्फ भारत का एकाधिकार नहीं है, ये सभी देशों में चलता है। तो वो जो कमेटी थी, उस कमेटी का नाम है नोलन कमेटी, नोलन समिति बनी ईयर 1996 में। उन्होंने भी अपनी सिफारिश की थी कि जो फंडामेंटल वैल्यूज लोक सेवक में होना चाहिए वो कौन कौन से, वो कहते हैं नेतृत्व, लीडरशिप मस्ट है, वो बात करते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, लोक सेवा में, लोक सेवक में ये होना चाहिए। वो ये बात करते हैं ओपननेस, ओपननेस का मतलब होता है खुलापन, है ना, अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही, ये वैल्यू आवश्यक है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी को हम सत्यनिष्ठा कहते हैं, ये वैल्यू आवश्यक है। ऑब्जेक्टिविटी, जैसे हमने वस्तुनिष्ठता नाम दिया था ये, तो कुछ ऐसे कॉमन से वैल्यूज हैं जो सभी जगह काम आते हैं। हमारे यहाँ पर जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग बना, सेकेंड ARC, उसने रिपोर्ट दी, उसने भी लोक सेवक के कई सारे वैल्यूज बताए थे। इथिक्स की बात उन्होंने ही की थी कि इथिक्स होना चाहिए, क्योंकि हो ये रहा था कि जो प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हैं
नॉलेज बहुत ज़्यादा है लेकिन एथिकल ग्राउंड में वो फेल हो जा रहे हैं। नॉलेज इतना ज़्यादा है, उन्हें सब आता है, हिस्ट्री पॉलिटिक्स सब कुछ आता है, लेकिन एथिक्स यानी राइट, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, वो तो इसलिए ये होना चाहिए। क्लियर? अब इनमें से इन गुणों को पता होगा तब आप लिख पाओगे ना डिटेल में। चलो शुरू करते हैं। पहला एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। अब ये इंटीग्रिटी जो है ये क्या होता है? सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, ये इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है जोड़ना। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कि प्री प्लस मेंस एक साथ तैयार करो, इंटीग्रेटेड, तो जोड़ना, किसको जोड़ना? व्यक्ति जो लोक सेवक है उसका अपना पर्सनल लाइफ भी है और दूसरा पब्लिक लाइफ भी है, सार्वजनिक जीवन भी है, तो दोनों को कनेक्ट कैसे करोगे? दोनों में कुछ ऐसे कॉमन वैल्यूज हैं जो होना चाहिए। यदि आप व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी रखते हैं और सार्वजनिक जीवन में भी रखते हैं तो दोनों प्रकार के मूल्य एक जैसे हैं, जो आपके अंदर में है वो बाहर में, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन, राइट? यानी ये एक प्रकार से अगर स्पिरिचुअलिटी की ओर चलें तो अद्वैत की अवस्था है। अद्वैत यानी आत्मा और शरीर यहाँ पर एक माने जाते हैं, आत्मा और परमात्मा का एकाकार हो जाता है। तो सत्यनिष्ठा यानी व्यक्ति लोक सेवक जो है वो अपना काम करेगा, उसका किसी व्यक्ति से कोई मोह नहीं होता, संविधान के आदर्शों के प्रति पूरा कमिटमेंट होता है, वह अपने व्यक्तिगत जीवन में भी ऑनेस्टी का पालन करता है, पब्लिक प्लेस में भी पालन करता है, तब आती है सत्यनिष्ठा। आचार्य केशव चंद्र सेन थे, ब्रह्म समाज जो राजा राममोहन राय ने स्थापित किया उसके आचार्य बनाए गए। ब्रह्म समाज बाल विवाह का विरोध करता था, उपदेश देते थे, लेकिन अपनी 13 वर्षीय पुत्री की शादी इन्होंने करा दी कूच विहार के राजा के साथ। तो आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी सार्वजनिक जीवन दोनों में ये व्यवहार में अंतर आ गया ना। जब ऐसा आप करोगे फिर आप बताने जाओगे लोगों को तो लोग क्वेश्चन नहीं कर देंगे कि आप हमारे लिए नियम बताते हो, अपने घर में तो जब आपको राजा मिला तो आपने अपनी 13 वर्षीय लड़की की शादी कर दी और हमें बोलते हो कि बच्चों का बाल विवाह ना करो, कौन उसकी बात को मानेगा? तो कहने का पर्पज है कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों में एकाकार होना चाहिए, तब आती है इंटीग्रिटी। कैसे आती है सत्यनिष्ठा का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो इसके 4 प्रमुख चरण होते हैं, इंटरेस्टेड हो समझने में। पहला जिसे बोलते हैं भौतिक स्व, भौतिक स्व मतलब इसे कहते हैं फिजिकल और स्व मतलब सेल्फ। फिजिकल सेल्फ का मतलब ये होता है कि मनुष्य का शरीर, शरीर और आत्मा दो चीजें हैं, इन दोनों को अलग मत मानो। अगर दोनों को अलग मानोगे तो परेशानी आती है, यानी कि फिजिकली जो आपकी आत्मा है शरीर के द्वारा किए जाने वाले कार्य भी वैसे ही होना चाहिए। जो आपका बाहरी दृष्टिकोण है वही आंतरिक हो, या जो आंतरिक दृष्टिकोण है वही बाहर हो, ऐसा होता नहीं है। प्रशासन में तो गए थे अच्छी सोच के साथ, सिलेक्शन हुआ था कि हम तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, उसके बाद भ्रष्टाचार का पार्ट बनते गए। तब ये क्यों? क्योंकि शरीर लग्जूरियस लाइफ जीना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं चाहता है, इसलिए ये चल रहा था। तब ऐसे समय क्या करोगे, दोनों को कनेक्ट कैसे करोगे एक डायरेक्शन में? इसके लिए कई सारे योग, मेडिटेशन, ध्यान, ये सब चीज़ें होती है ना, तो इनसे बाहरी पक्ष जो है और जो आंतरिक मूल्य हैं ये दोनों आप पर कंट्रोल हो जाता है, दोनों एकाकार कर लेते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। प्रशासन में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बड़े बड़े कैंप लगाए जाते हैं, बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, बुलाया जाता है विशेषज्ञों को कि इनको ये चीज़ें, जिससे ऐसा कोई स्ट्रेस जो है जहाँ व्यक्ति कुछ और सोचता रहता है तो उसके ये विकार दूर हो जाए। तो पहला चरण जिसे कहते हैं फिजिकल सेल्फ, दूसरा आता है जिसे बोलते हैं एनर्जी सेल्फ। एनर्जी सेल्फ क्या होता है, ऊर्जा स्व क्या होता है? हम जो भी कार्य करते हैं मन में कुछ विचार है, बोलते कुछ और हैं और बॉडी के द्वारा एक्शन कुछ और लिया जाता है, तो तीनों अलग अलग प्रकार से ऊर्जा डिवाइड हो जाएगी। और जब जो हमारे मन में विचार है हम उसको वाणी के रूप में भी वही बोलते हैं और हमारे कार्य के द्वारा भी वही कार्य किया जाता है, तो किस स्थिति में वह कार्य ज़्यादा ठीक से संपादित होगा?
कहते ना मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा चलेगा तो फिर समस्या आ जाती है। तो ऊर्जा स्व की बात है कि लोक सेवक जो भी कार्य करता है, अब उसको शासन ने बोला कि आपके यहाँ पर जितने भी बीपीएल परिवार हैं या जो बेसहारा हैं, अनाथ हैं, सड़कों पर भीख मांगते हैं, उनका आशियाना नहीं है, तो उन लोगों की लिस्ट बनाओ और उनके रहने की व्यवस्था करो। शासन का आदेश है, अब आपको करना है, आप जिम्मेदार अधिकारी हो। लेकिन मन में आता है अरे छोड़ो, कौन करेगा, सबके अपने अपने कर्मों का फल है, ये इनकी तो आदत ही होती है ऐसे बाहर घूमना। तो अब मन में ये विचार आ गए, फिर आप आदेश जारी करोगे अपने सबॉर्डिनेट को, सहयोगियों को, तो क्या उस ऊर्जा के साथ वो आदेश उसमें प्रभाव होगा, फॉर्मेलिटी करके छोड़ दोगे? और यदि उसमें काम नहीं किया गया तो क्या आप एक्शन लोगे, जाकर के फील्ड में चेक करोगे? नहीं करोगे ना। तो तीनों लेवल पर जब एकाकार होता है तब सत्यनिष्ठा आती है, इंटीग्रिटी आती है। तीसरा जिसे कहते हैं बौद्धिक स्व, बौद्धिक को इंटेलेक्चुअल सेल्फ भी कहते हैं। हमारे शरीर में मस्तिष्क जो कि बुद्धि सोचने का काम करता है, और आत्मा, आत्मा को हमेशा पवित्र माना गया है। मस्तिष्क जो है ये अपने हिसाब से कार्य करता रहता है ना, ये कंट्रोल करके बैठ जाता है। तो इसमें जो बुद्धि है उसको ये एहसास कराओ कि आप श्रेष्ठ नहीं हो, श्रेष्ठ कौन है, आत्मा है, और आत्मा पवित्र होती है। तो पवित्र का होती है तो पवित्र होने के लिए जो एक्टिविटी है वो की जाए, ना कि गर्मी लगती है तो एयर कंडीशन होना चाहिए, बाहर घूमने जाना चाहिए, हिल स्टेशन पर, शासन के द्वारा सैलरी लिमिटेड दी जाती है तो भ्रष्टाचार करोगे, ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें आता है बौद्धिक स्व, फिर आता है मेंटल सेल्फ। मस्तिष्क और आत्मा दोनों एक डायरेक्शन में एक ही तरीके से सोचेंगे तब जा करके सत्यनिष्ठा का विकास होता है। तो लोक सेवक में पूछा जाए कौन कौन से वैल्यूज, तो ये वैल्यूज इतने सारे, अभी सिर्फ आपको एक बताया गया, इंटीग्रिटी, राइट। ये नोट्स, जो भी इंटरेस्टेड है नोट्स के बारे में, आप लोग पूछते रहते हो बट थोड़ा वीडियो में ध्यान नहीं देते हो, नीचे यहाँ आप देखोगे ये एक स्ट्रिप ब्लैक, उसमें ये लाइन चलती रहती है, नोट्स, टेस्ट, पीडीएफ, ये सब अवेलेबल होता है। ईमेल आईडी दिया रहता है, उस पर संपर्क करेंगे। फ्री के लिए सॉरी, नथिंग फ्री, फ्री में सिर्फ आपको ये लेक्चर समझाया गया है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप नोट डाउन करें, पेपर पेन लेके बैठें, अगर ये चाहते हैं तो उसको आपको पे करना पड़ता है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए ईमेल से आपको ये जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो थैंक यू सो मच, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे कि आपको सारे जो अपडेट हैं उस समय पर मिलते रहें। गुड लक।